कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ निस्ता और कटका के बॉर्डर पे, और ये दरभंगा ज़िला में ये गांव पड़ता है, और काफ़ी दिनों से बारिश का इंतज़ार हो रहा था। कई जगह दुआएं मांगी गई बारिश के लिए, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने लोगों की दुआएं कबूल की और बारिश की बौछार हुई। इस बारिश की वजह से कितना फ़ायदा मिला किसानों को, आइए जानते हैं। कुछ किसान भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। अगर वीडियो में आप बने रहें मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल दसदरे शो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, वो कौन किसान भाई हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ घर है और क्या फ़ायदा हुआ बारिश होने की वजह से, उनसे कुछ बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखला दूं, ये सामने में ये कटका गांव नज़र आ रहा है, वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ घर हैं और ये जो चारों तरफ हरियाली देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो घर नज़र आ रहा है ये निस्ता में है, ये निस्ता और कटका का बॉर्डर आप कह सकते हैं, इसको बॉर्डर एरिया है, दोनों गांव का बॉर्डर, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है ये। और चारों तरफ देखते हैं कितनी अच्छी हरियाली, कितनी खुशहाली नज़र आ रही है, कितनी खूबसूरती, कुदरत का नज़ारा। और ठीक ये सामने में बांध पे जो है बिया रखा हुआ है, जो धान का बिया कहते हैं। आइए जानते हैं ये जो किसान भाई नज़र आ रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? जी सुनील। सुनील, पूरा नाम बतलाइए। सुनील सहनी। सुनील सहनी, घर कहाँ है आपका? निस्ता रसलपुर। निस्ता रसलपुर यानी मोहनपुर। हाँ। मोहनपुर कहलाता है जहाँ पे आपका घर है? नहीं, निस्ते रसलपुर कहलाता। निस्ता ही रसलपुर कहलाता है ना, मोहनपुर का मतलब बॉर्डर हो गया। हाँ, मोहनपुर बॉर्डर है। तुम्हारा क्या नाम है जी? कमल कुमार। कमल कुमार नाम है उनका। तो सबसे पहले हमारे चैनल दसदरे शो पे सुनील भाई, सुनील ना? हाँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर वाले ने बारिश की अच्छा बारिश की जो बौछार हुई है, तो इससे अच्छा क्या फायदा मिला है किसानों से? किसान का बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदा हुआ। आप लोग दुआ कर रहे थे? और बहुत दुआ किया तब जाके हुआ ये बारिश। अच्छा अच्छा, बहुत दुआ किए हैं तब जा कर के ये बारिश हुई है जी। तो ये खेत जो है ये निस्ता में पड़ रहा है कि कटका में है? ये निस्ता में ये खेत है ये जी। ये किनका खेत है? गाजी जी का। जी गाजी साहब का। नूर हसन गाजी, यही उनका नाम है पूरा। क्या देख सकते हैं ये सामने में जो घर है, ये नूर हसन गाजी मरहूम है, उन्हीं का ये खेत है, ये सुनील जी कर रहे हैं। और ये जो धान जो रोप रहे हैं, ये कौन सा धान है ये? सरजू बाभन है। सरजू बाभन, ये कैसा चावल होता है इसमें? इसका मोटा चावल होता है। हल्का मोटा चावल होता है, यानी घर में यूज करने के लिए। हाँ। जी जी जी। ये बिया कहाँ से लाए हैं आप, ये जो रोप रहे हैं आप इसमें? वो लाए थे वहाँ से, लिबड़ा मोहार से। लिबड़ा मोहार से आप ये बिया लाए? जी जी, ये सुनील जी हैं और जानकारी दे रहे हैं कि ये जो बिया नज़र आ रहा है इसी की बुआई चल रही है, इस खेत में बोआ जा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भी हमारे कुछ किसान भाई नज़र आ रहे हैं खेत में, आप देख सकते हैं। जी हाँ, सदा जी सब हैं। और ये चारों तरफ की हरियाली, ये खूबसूरती देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखने में मज़ा आ रहा है। इस दिन का बेसब्री से इंतजार था क्या सुनील जी? बहुत इंतजार था, तो दमकल से पटाया किसान होकर के। दमकल से पटाना पड़ा जब बारिश नहीं हो रही थी तो? जी जी, बोर्डिंग से पानी इन्होंने पटाया था जब बारिश नहीं हुई, और उसके बाद से फिर ऊपर वाले ने सबकी दुआ कबूल की और जो है बारिश की बौछार हुई। उसी दिन बारिश हुआ, उसी दिन बारिश हुई जिस दिन आपने दमकल से पटाया। जी जी, देखिए काफी अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे चैनल पे। जी देखा, सुनील जी ने जानकारी दिया हमें। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और भी कमेंट करके हमें बताएं कि किस तरह का
वीडियो आप पसंद करते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको बना करके मेरे चैनल के माध्यम से मैं दिखलाने की कोशिश करूं। यह आसपास की हरियाली देखिए, कितना खूबसूरत मंजर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल द सदरे शो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शुक्रिया।